नमस्कार दोस्तों, हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक, ये सुनने में बड़ा डर लगता है और आजकल हार्ट के पेशेंट जो हैं इंडिया में जो हैं बढ़ते ही जा रहे हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताऊंगा जो हार्ट पेशेंट के लिए, जिनका हार्ट का पंपिंग एक्शन बहुत कम हो गया है, हार्ट की जो पंप करने की पावर है वो बहुत कम हो गई, उसके कारण उनको स्वेलिंग भी रहती है पैरों में, तो उसके लिए बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन। और दूसरा किडनी के पेशेंट भी जो हैं जिनका किडनी का फिल्टर ख़राब हो जाता है और डायलिसिस होने लगता है, तो उसके लिए भी ये मेडिसिन बहुत इफ़ेक्टिव है। तीसरा जो है अल्कोहल की क्रेविंग, अल्कोहल पीने की जो लत जो है जिन लोगों को ज़्यादा लग जाती है उसके लिए भी ये मेडिसिन बहुत इफ़ेक्टिव है। तो दोस्तों, हार्ट के लिए, आपकी किडनी के लिए, अल्कोहल क्रेविंग के लिए और बहुत सारी स्किन डिजीज़ के लिए, एनीमिया के लिए, तो ये इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो दोस्तों, मैं YK गुप्ता, मेरे YouTube चैनल HM4U रुड़की, दैट इज़ होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर यू रुड़की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव और इम्पोर्टेंट मेडिसिन है आपके हार्ट के लिए, किडनी के लिए, अल्कोहल क्रेविंग के लिए। तो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल HM4U रुड़की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक, ये शब्द सुनने में भी बहुत डर लगता है। तो हार्ट की बीमारी जो है हमारे पूरे भारत में और अन्य देशों में भी काफ़ी हैं, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, हार्ट अटैक हो, पेसमेकर लगा हो, हार्ट का पंपिंग एक्शन कम हो, तो उसके लिए एक बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है स्ट्रोपेंथस हिस्पेडिकस। स्ट्रोपेंथस हिस्पेडिकस जो है प्लांट किंगडम की मेडिसिन है, जो कि मोस्टली अफ्रीका में पाई जाती है और वहाँ के लोग इसका जो यूज़ है वो एरो पॉइजन के रूप में यूज़ करते थे, हंटिंग के लिए, शिकार के लिए, और फिर उस एनिमल पर उसका इफ़ेक्ट जो है दिखाई देता था। और दूसरा जो इसका हार्वेस्टिंग है वो जो है फार्मास्यूटिकल कंपनियों को प्रोवाइड कराने के लिए एज ए मेडिसिन यूज़ करते थे। तो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है हार्ट के लिए, हार्ट के टॉनिक के रूप में। हार्ट की मसल अगर आपकी वीक हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं कार्डियक ब्रीदिंग की प्रॉब्लम, जिसके कारण होती है सांस लेने में तकलीफ़ जो होती है, तो उसकी वजह से जो है कॉन्ट्रैक्शन जो है अगर कम हो जाता है हार्ट का, तो यूज़ली क्या होता है कि जो हार्ट के डिज़ीज़ होते हैं उसमें हार्ट का जो पंपिंग एक्शन है, जो पंपिंग रेट है, वो काफ़ी कम आ जाता है। नॉर्मली 50-70% होना चाहिए, लेकिन ओल्ड एज में हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाता है, वो 20-30% पे आ जाता है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि बॉडी में एक फ्लूड एक्यूमुलेट होने लगता है, बॉडी में फ्लूड जमा हो जाता है, तो सूजन आ जाती है, जिसको हम बोलते हैं एडिमा, पैरों में सूजन, पेट में आपके एडिमा हो जाएगा, सूजन आ जाएगी। ऐसी कंडीशन में हार्ट की जो वजह से जब ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो, ब्रीदिंग ना हो, तो पल्स रेट कभी कम हो जाता है, कभी बढ़ जाता है, बहुत स्लो हो जाता है, तो स्ट्रोपेंथस यूज़ करते हैं हम मदर टिंचर के रूप में, जो आपकी हार्ट की जो मसल्स हैं उनको टोन अप करता है, हार्ट के पंपिंग एक्शन को बढ़ाता है, और जो उसका कॉन्ट्रैक्शन जो कम हो गया, जिसकी वजह से बॉडी में फ्लूड जो है जमा हो गया, वो भी बाहर निकलता है उसे यूज़ करने से, और फिर जो है आपका यूरिन बढ़ जाएगा, पल्स रेगुलर हो जाएगा, एडिमा जो है वो कम हो जाएगा, तो इससे जो है आपको बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपको स्वेलिंग हो गई हो, हार्ट का पंपिंग एक्शन जो है, पंपिंग पावर कम हो गई हो, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। पंपिंग पावर को ये बढ़ाता है, ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, तो सिर का जो पोर्शन है उसमें भी अगर कई बार जो है फ्लो कम हो जाता है, सिर में जो है ब्लड कम पहुंचता है, तो इसकी वजह से ओल्ड एज में चक्कर भी आने लगते हैं, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। एक हम बोलते हैं टर्म आर्टिक्लोरोसिस, जिसका मतलब होता है जो आर्टरीज़ जो हैं उनमें ब्लड ले जाने वाली जो आर्टरीज़ हैं, ब्लड वेसल जो हैं वो ठीक हो जाती हैं इसको यूज़ करने से, तो स्ट्रोपेंथस जो है उसमें बहुत ही अच्छा काम करता है। बहुत सारे लोगों को जो है क्या होता है, हार्ट की पंपिंग कम होने की वजह से उनको सांस लेने में तकलीफ़ होती है, और बहुत सारे ऐसे लोग जिनको एक के बाद एक हार्ट अटैक आता है कई बार, तो उस केस में भी स्ट्रोपेंथस को यूज़ करना चाहिए। पेसमेकर बहुत सारे लोगों के लगा रहता है, जिसकी बार बार जो है बैटरी चेंज करनी पड़ती है और उनको उसके बिना जो है बहुत तकलीफ़ हो जाती है, तो ऐसे केस में भी अगर आप स्ट्रोपेंथस को 5-6 महीने या साल भर यूज़ करते हैं मदर टिंचर के फॉर्म में, इसकी 10-10 बूंद, तो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है आपकी हार्ट की प्रॉब्लम के लिए। या बहुत सारे लोग बोलते हैं जैसे जिनको ब्लॉकेज है, अगर वो ऑपरेशन या बाईपास सर्जरी नहीं कराना चाहते, स्टंट नहीं गिराना चाहते हैं, तो उस केस में भी स्ट्रोपेंथस जो है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों, स्ट्रोपेंथस को अगर आप लगातार यूज़ करते हैं 6 महीने से साल भर तक इसके मदर टिंचर के रूप में, तो बहुत ही ज़्यादा है एज ए हार्ट टोनिक,
हमेशा याद रखना चाहिए स्ट्रोपेंथस को। जब भी हार्ट अटैक एक के बाद एक, बहुत से लोगों को एक के बाद एक हार्ट अटैक रेगुलर आ जाता है, तो उस केस में भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसन है स्ट्रोपेंथस। दोस्तों आपका जो पल्स रेट है कई बार बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसमें और भी मेडिसन है जैसे आपके फेजिलियस नैनस है, कैक्टस ग्रैंडीफ्लोर है, बहुत सारी और भी मेडिसन है, लेकिन स्ट्रोपेंथस जो है अपनी एक अलग ही पहचान बनाती है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसन है। स्ट्रोपेंथस का जो मेन जो इंडिकेशन है, फंक्शनल डिस्टर्बेंस अगर आपको हो ड्यू टू अल्कोहल की वजह से या चाय ज़्यादा पीते हो, टबैको, उसकी वजह से हार्ट ख़राब हुआ है, तो स्ट्रोपेंथस जो है बहुत ही अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। बच्चों में भी अगर एनीमिक कंडीशन हो तो स्ट्रोपेंथस बहुत अच्छा काम करती है। और इसका एक एक्शन है किडनी का, किडनी पेशेंट जो हों, जो इनको नेफ्रोटाइटिस की डिज़ीज़ हो, जिसमें जो है किडनी का फिल्टर जो है नेफ्राइटिस जिसको हम बोलते हैं, अगर वो ख़राब हो जाता है उसकी वजह से बॉडी में फ्लूड एक्यूमुलेशन हो जाता है, ड्रॉस्पी की कंडीशन आ जाती है, सारे शरीर में सूजन हो जाती है, तो किडनी के नेफ्रोटाइटिस में भी बहुत अच्छा रिजल्ट देती है आपकी स्ट्रोपेंथस। और किडनी की प्रॉब्लम की वजह से जिन लोगों का बीपी बढ़ जाता है, बीपी की जो है आपको बहुत सारी दवाई लेते रहते हैं, लेकिन बीपी जो है किडनी फेलियर के कारण जिनका डायलिसिस भी हो रहा होता है, बीपी कंट्रोल नहीं होता, तो उस केस में भी स्ट्रोपेंथस का मदर टिंचर 10-10 बूंद सुबह दोपहर शाम आधे कप पानी में अगर देंगे तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। फिर दोस्तों स्किन की प्रॉब्लम में, मतलब हाइव्स के केस में, अल्टीकेरिया जिसको हम बोलते हैं, उसमें भी इसका अच्छा इंडिकेशन है, उसमें भी यूज़ होती है। फिर दोस्तों अगर अल्कोहल की जो क्रेविंग है, बहुत सारे लोग अल्कोहल जो है बहुत ज़्यादा पीते हैं, बहुत ज़्यादा उनको तलब रहती है, तो इसमें भी अगर इसके मदर टिंचर की कुछ ड्रॉप दें तो उसकी जो क्रेविंग है वो कम होती है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। और जो है दोस्तों हार्ट के जो वॉल्व के डिजीज़ होते हैं, जिसमें जो है वॉल्व जो है वॉल्व में ब्लॉकेज हो जाती है वॉल्स में, तो उसके लिए भी हार्ट को टोनअप करने के लिए, हार्ट की मसल को टोनअप करने के लिए स्ट्रोपेंथस जो है, अगर मसल्स वीक हो गई हो तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। तो इसकी 10-10 बूंद जो है आप सुबह दोपहर शाम आधे कप पानी में इसको यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। और दोस्तों बात करते हैं, जैसे बहुत से लोगों का इंडियंस में जो है पेट जो है बहुत बड़ा बाहर निकल जाता है, ओबेसिटी जो होती है, केवल पेट कम करना हो, अगर पूरी बॉडी का वेट कम नहीं, पेट जो बाहर निकला रहता है इंडियंस में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, तो उसके लिए भी स्ट्रोपेंथस का मदर टिंचर जो है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। उसमें भी आप 10-10 बूंदी से आधे कप पानी में सुबह दोपहर शाम यूज़ करते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं 5-6 महीने तक। हाँ, इसके साथ साथ एक्सरसाइज और डाइट के रूल भी कुछ फॉलोअप करने पड़ते हैं, डाइट भी कंट्रोल करनी पड़ती है। तो जिन लोगों को ब्लॉकेज की प्रॉब्लम हो जाती है हार्ट में, एंजियोप्लास्टी नहीं कराना चाहते, स्टंट नहीं लगवाना चाहते, तो उसके लिए भी स्ट्रोपेंथस का मदर टिंचर 10-10 बूंद सुबह दोपहर शाम आधे कप पानी में आप यूज़ करें, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है आपके हार्ट के लिए, किडनी के लिए, अल्कोहल क्रेविंग के लिए। ज़रूर दोस्तों इसको यूज़ करें। बहुत सारे लोगों का इसने जो है पेस मेकर जो लगा रहता है, उनको प्रॉब्लम होती है हार्ट की पंपिंग में, तो उसमें बहुत इफेक्टिव इसका रिज़ल्ट मिला है। तो इसका मदर टिंचर आप 10-10 बूंद सुबह दोपहर शाम यूज़ करें, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। कोई भी मेडिसिन से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो यहाँ पर एक लाइक का बटन दिया रहता है उसको दबाइए, साथ ही साथ रेड कलर का सब्सक्राइब के बटन को दबाइए और बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे आपको आने वाली प्रत्येक वीडियो के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मेरे साथ दोस्तों HM4U रुड़की में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।